सर प्रभाई प्रभाई मैंने आपको बोला है 45 डेज तक आ जाए रिजल्ट, और उसके अंडर ही आ रहा है रिजल्ट। करना क्या है, सीधा आप गूगल पे जाना है और करना क्या है, ऑन डिमांड रिजल्ट आप सर्च करना है। कौन सा बच्चा रहा है हमारा, चाहे संडे बच्चे हो या सीनियर संडे, दोनों बच्चे आज का हमारा। और यहाँ पे खबर क्या है, अकेडमिक एग्जामिनेशन रिजल्ट, सीधा आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है और ये सिंबल्स डालना है और सबमिट कर देना है। रीचेक में सिंपल सा बच्चों के क्या होता है, खाली मार्क्स तो काउंट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत बढ़िया रहा और आपके हिसाब से नंबर नहीं है तो री इवेल्युएट करो ऑन डिमांड का रिजल्ट। दोस्तों मैं अरेंज लेके आ चुका हूं एक और टॉप क्लास वीडियो, आपके फेस पर स्माइल आने वाली है। क्यों, रीजन बता रहा हूं आपको मैं, ऑन डिमांड वाले बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर प्रभाई प्रभाई मैंने आपको बोला है 45 डेज तक आ जाए रिजल्ट, और उसके अंडर ही आ रहा है रिजल्ट। देखो करना क्या है, सीधा गूगल पे जाना है और करना क्या है, ऑन डिमांड रिजल्ट आप सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट विंडो फिर भी है, लिखी हुई क्या लिखी वहां पर, यहां पर लिखा हुआ है एनआईएस रिजल्ट, इस पर क्लिक करो और जैसे आप क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगी और वो विंडो ओपन क्या होगी, ऑन डिमांड के रिजल्ट की होने वाली है। देखो ओपन हो रही, लिखा हुआ क्या हमारा, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन रिजल्ट आपका आ चुका है। ठीक है, कौन सा बच्चा रहा है हमारा, चाहे संडे बच्चे हो या सीनियर संडे, दोनों बच्चों का आ चुका हमारा ऑन डिमांड। कौन सा सेशन रहा है हमारा, स्लॉट जो होता है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच वाला बच्चों का स्लॉट आया। ठीक है, और मैंने आपको बताया 45 डेज तक आ जाता रिजल्ट, तो ये काउंट जो होता है ना 31 जुलाई से काउंट होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, 15 जुलाई से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, तो जुलाई को लास्ट पेपर है ना स्लॉट जो होता है नाइन का, वहां से आप काउंट करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, 13 नोटो आया था अनाउंसमेंट हमारी है। ठीक है, चेक कर रिजल्ट क्या है हमारा, देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर खबर क्या है, अकेडमिक एग्जामिनेशन रिजल्ट, सीधा आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है और ये सिंबल्स डालना है और सबमिट कर देना है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, आपको लगता है कि इस पेपर मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था बट नंबर मेरे अकॉर्डिंग नहीं आए, तो आप करके इसके यहाँ पर अप्लाई करो रीचेक एंड रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अभी ये मिस विंडो ओपन नहीं है बट स्टिल आप लोड करो बार बार। ठीक है, तो आ जा रहा आगे ना तो रीचेक एंड रीइवैल्यूएशंस ऑन द डिमांड रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्या, आपको सिंपल अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, सबमिट कर देना और एक बेसिक फीस होगी वो। अब मैं आपको बोला रीचेक और रीइवैल्यूएशन, रीचेक के लिए मैं पर्सनल एडवाइस नहीं देता बच्चों को। क्यों, रीचेक में क्या होता है, रीचेक में सिंपल सा बच्चों के क्या होता है, खाली मार्क्स तो काउंट किया जाता है, और वही रीइवैल्यूएट मतलब क्या है, आपका पूरा पेपर खुलेगा, उसमें क्या हो रहा, हर एक क्वेश्चन में कह रहा कि इसमें एक क्वेश्चन क्यों मिला है, दो क्वेश्चन क्यों होते हैं, हर एक क्वेश्चन को रीचेक कह रहा है, यानी पेपर को फिर से रीचेक कह रहा। उससे चार्जेस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट स्टिल मैं कहूंगा कि इसके पीछे मत जाना, इसमें आप ट्राई करना। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत बढ़िया रहा और आपके हिसाब से नंबर नहीं है तो री इवेल्युएट करो ऑन डिमांड का रिजल्ट, तो जिसके भी पर आपकी प्रॉपर क्या होगी, अपडेट आपको मिलेगी। ठीक है, रिजल्ट के बारे में तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन की जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, और बाकी बच्चे जो है हमारे लाइक जुलाई के बाद जिन बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, उनका रिजल्ट भी मान लो कि सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। और इसे बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और साथ साथ कई वीडियो शेयर देना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं अभी वेट कर रिजल्ट का, तो वहां तक वीडियो पहुंच जाएगी तो उन बच्चों की हेल्प रहेगी। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्णा।